हम सब ब्रह्मा। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। आज का विषय है अलोयना। अलोयनांग भन्ते जीवे किम जनई, आलोचना से जीव किस फल की प्राप्ति करता है। आलोचना से जीव माया मृदान और मिथ्या दर्शन शल्य को दूर कर देता है। जीवन में आलोचना का बहुत गहरा महत्व है। यदि आप कोई बड़ा तप ना कर सके तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु यदि जीवन में आपके द्वारा कुछ भी पाप दोष लगा है मन से वचन से काया से, तो उसकी आलोचना अवश्य कर लेनी चाहिए। आलोचना करने से अलोयनंग भन्ते माया नियान मिच्छा दंशन सल्लानंग मुख मग विघानंग अनंत संसार वंदनानंग उद्रणंग करेई अज्जु भावंग च जनई उज्जु भाव परिवन्ने यनंग जीवे अमाई इत्थि वेयन नपुंसक वेयंग चैन बंधई पुवद्धंग चैन निजरेई। आलोचना से अजीव मोक्ष मार्ग के विघातक अनंत संसार को देने वाला अनंत संसार माया निदान और मिथ्या दर्शन शल तीन शल्य, शल्य का मतलब कांटा, जैसे कांटा पाम में लग जाता है, जरा सा कांटा आपके दांत में लग जाता है तो जब तक वो निकलता नहीं तब तक आपको चैन नहीं आती। चाहे आप कोई भी काम करते, चाहे आप रसोई में खाना बना रहे हो, चल रहे हो, ध्यान कर रहे हो, वो कांटा जब तक नहीं निकलता तब तक आपको चैन नहीं आती। ऐसे ही तीन कांटे हैं शल्य माया। एक तो माया नहीं करना, जो है स्पष्ट कर देना, बच्चे की भांति सरल हो जाना। आप नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा था, मैंने ऐसे कहा था, मेरा मतलब ये था, तुमने सुना नहीं, ये बातें गोलमोल करने की बातें होती हैं। बच्चा कभी गोलमोल नहीं करता, सीधी स्पष्ट बात कर देते। माँ ने कहा था, पिता ने कहा था, पिता घर नहीं है इसलिए वो सारी बात कर देता है कि पिता घर नहीं है, मैं पिता ने ऐसे कहा था, कि बच्चे को नहीं आता। तो आलोचना करनी है तो ऋजु सरल भाव होना बहुत ज़रूरी। ऋजुता सरलता, धर्म का आधार सरलता है। भगवान ने कहा धर्म कहाँ रहता है, जो सरल है। निगंथा उज्जु दंशनो, जो निर्ग्रंथ होते हैं, जो साधु होते हैं, वो ऋजु होते हैं और सरल होते हैं। यदि सरलता ऋजुता नहीं है जीवन के अंदर तो कितना बड़े से बड़ा तप कर लो, व्यक्ति संसार सागर से लंबा 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 होता चला जाता है। ऋजु भाव सरलता को उत्पन्न करता है। ऋजु भाव को प्राप्त करके माया से रहत हुआ जीव स्त्री वेद और नपुंसक वेद नहीं बनता। पुरुष स्त्री और नपुंसक, पुरुष माया करता स्त्री, स्त्री माया करती नपुंसक, नपुंसक माया करता तो पशु, पशु माया करता तो नरक। ऐसे 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 आधार है। इसलिए यदि कोई ऋजु भाव को प्राप्त माया नहीं होगा तो वो स्त्री नहीं बनेगा, नपुंसक नहीं बनेगा और पूर्व में बंधे हुए कर्मों की निर्जरा कर देता है। शरीर के किसी भी अंग में जो कांटा चुभ गया, जब तक वो कांटा नहीं निकलता वो चैन नहीं आती। तो आलोचना का अर्थ क्या है, पूर्ण आक अर्थ है पूर्ण रूप से, लोचन का अर्थ है लुच धातु से, लोचन शब्द बन है, किसी कार्य को विचार पूर्वक प्रकट कर देना। कोई भी कार्य, कुछ भी आपके जीवन में घटना घट, उसको अच्छी तरह समझ लो, समझ करके अंतःकरण से आलोचना कर दो। मोह के कारण जो अकरणीय कार्य हो गए हैं, जिनके बिना किसी दबाव के भाव शुद्धि को दृष्टि में रखकर गुरु के समक्ष मर्यादा पूर्वक कर देना। मन वचन का अकृत्य कार्य गुरु के समक्ष प्रकट कर देना, मर्यादा पूर्वक अपने सभी दोषों को गुरु के समक्ष प्रकट कर देना आलोचना है। विनय समाधि कैसे प्राप्त होती, गुरु का अनुशासन मानना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक गुरु को शिक्षा, कुछ गुरु डांटते भी है फटकारते भी है कुछ, परंतु गुरु का अनुशासन नहीं मानता तो व्यक्ति आलोचना नहीं कर सकता, वो ऋजु नहीं हो सकता। गुरु की शिक्षा को सम्यक प्रकार से स्वीकार करना चाहिए, शास्त्र और गुरु के वचनों को पूर्ण आराधना करना चाहिए और निराभिमानी होना चाहिए। आलोचना जैन दर्शन में आलोचना पर आलोचना को दोष कहा गया है। पर आलोचना, किसी की आलोचना करोगे तो दोष लगेगा, अपनी आलोचना करोगे तो आपका भाव भाव सुधर जाते हैं। स्वय आलोचना को गुण कहा गया है, अपनी आलोचना करो, जैसे ऐस किसी की तरफ देख तीन उंगलियां आपकी तुम्हारी तरफ आ जाती है,
ये प्रकृति का नियम है, एक उंगली किसी की ओर उठाती हो तो तीन तुम्हारे ऊपर आती है। इसलिए किसी की आलोचना करना ही नहीं, जो वो जाने उनका काम जाने, हमें क्या मतलब किसी की आलोचना करके हम अपने कर्मों का बंधन बांधते हैं। स्व आलोचना को गुण कहा गया, पर आलोचना को नरक की सीढ़ी। हम पर की निंदा करते हैं, नरक की सीढ़ी हो जाती है। स्व आलोचना स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है। बालक जिस प्रकार अचित उचित अनुचित व्यवहार बिना सब कुछ कह देता है, अहंकार दंभ का मुक्त होकर ऐसे आलोचना करके साधक निर्भर हो जाता है। आलोचना कौन कर सकते हैं? 10 प्रकार बताए हैं। जो जाति संपन्न और कुल संपन्न होगा, भक्ति सूत्र के अंदर कहा है, जो आलोचना कौन करेगा तो जाति संपन्न होगा, कुल संपन्न होगा, उच्च जाति और उच्च कुल से जन्म लेने वाला व्यक्ति। जाति का मतलब जन्म से नहीं, जिसका संस्कार उच्च है। कुल जाति संपन्न, कुल संपन्न, विनय संपन्न, जो विनय भाव को स्वीकार करता है सतगुरुओं की, वो अवश्य आलोचना करता है। ज्ञान संपन्न, जो जानता है दुर्गति को सद्गुण सद्गति को देता है, इसलिए ज्ञानी व्यक्ति गुरुदुर गुणों का प्रयार करके आलोचना करता है। ज्ञान संपन्न, दर्शन संपन्न, चरित्र संपन्न, शांत दांत, वो व्यक्ति आलोचना कर सकता है, नहीं तो आलोचना होती ही नहीं है। जाति संपन्न, कुल संपन्न, विनय संपन्न, ज्ञान संपन्न, दर्शन संपन्न, चरित्र संपन्न, शांत दांत, MI माया कपट से रह पश्चातापी, जो आत्म कल्याण के लिए आलोचना करता है, आलोचना के पश्चात जो पश्चाताप नहीं करता कि ऐसा मैंने क्यों कर दिया, आलोचना अंतःकरण से कर लेता है तो अनुष्ठाता करता है। तो किस किस ने आलोचना की? आलोचना का महत्व कितना बड़ा, जम्बू द्वीप में जो मेरू वगैरह पर्वत है, जम्बू द्वीप मेरू पर्वत सबसे बड़ा पर्वत है, वो सोने का बन जाए, जम्बू द्वीप में जो बालू है वह सब रत्नमय बन जाए, वह सोना और रत्न यदि 7 क्षेत्र में दान देवे तो भी पापी जीव इतना शुद्ध नहीं बनता जितना भावपूर्वक आलोचना करके प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाता है। समझे? उपमा दी है कि जम्बू द्वीप में जो मेरू पर्वत सबसे बड़ा पर्वत है वह सोने का बन जाए, और जो जम्बू द्वीप में जो बालू और रेत है वो रत्न बन जाए, इतना सोना और रत्न इकट्ठा हो जाए, अरे 7 क्षेत्र में वो दान देवे पर वो आलोचना नहीं करता, वो पापी है, वो शुद्ध नहीं बनता, तो इतना दान देने के पर भी वो शुद्ध नहीं हो सकता। समझे? महात्मा गांधी के बारे में आप देखते हैं, महात्मा गांधी जिसको आज महात्मा कहते हैं, उसकी पत्नी भी थी, बेटे भी थे, पर वो महात्मा कहलाए, और उन्होंने जो जो कार्य, क्यों महात्मा कहलाए, इसका एक ही कारण था कि महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोग्राफी लिखी, आत्मकथा लिखी, आत्मकथा में जो जो उनके बारे में जो उनके मन में आया वो सब लिख दी। तो एक बार मित्रों की संगत में आकर के किसी ने कहा कि मांस खाना चाहिए, मांस नहीं खाओगे तो दुबले पतले रह जाओगे, मित्रों की संगत हुई, उन्होंने किसी के कारण क्या कि मांस भी लिया, चोरी भी की, झूठ भी बोला, तो पर जब वो लिया उसके बाद उसके अंदर से गलानी हुई, गलानी होने के बाद बच्चे को बाहर ले जाओ प्लीज, तो पिता के पांव दबा रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। पिता ने पूछा, उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, मोहनदास उनका नाम था, करमचंद उनके पिता का नाम था, मोहनदास करमचंद गांधी लिखते हैं, पहले अपना नाम आता है फिर पिता का नाम आता है, फिर गोत्र आता है, मोहनदास करमचंद गांधी। तो पाम दबा रहे थे तो उसकी आंखों में पिता ने कहा क्या हुआ है? तो गांधी सच बता दिया कि पिताजी मैंने आपके पॉकेट से पैसे भी चुराए हैं। पिता ने क्या उत्तर दिया? अच्छा, पैसे चुराए, क्यों चुराए? मुझे गलत संगत लगी थी, मुझे किसी ने कहा मैंने बीड़ी भी पी है और मैंने मांस भी खाया है, सारी बातें बापक। पिता ने डांटा नहीं, पिता ने क्या कहा? देख बेटे तूने चोर दोबारा करेगा? क्या पूछा? दोबारा करेगा? नहीं, दोबारा नहीं। तो संकल्प करो कि जिन हाथों से आपने पैसे चुराए उस हाथों से दान करना, तुमने जो
मांस भक्षण किया या उससे किसी को मिठाई खिलाना, बच्चे आगे से मत करना चाहिए, बड़े प्रेम से समझाए। तो गांधी कहते हैं कि पिता की दी हुई शिक्षा मेरे जीवन में काम आती। छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं, आपके बेटे से भी गलती हो जाती है तो बेटे को डांटना मत, फटकारना मत, तू तो नालायक है, तू तो काम का नहीं है, तू कुछ कर ही नहीं सकता। और कोई बात हो तो बेटे को घर में समझाना, अलग से कहना, सबके सामने नहीं कहना। नीति शास्त्र कहता है कि बेटा जब 16 साल का हो जाए तो कैसे व्यवहार करना चाहिए, मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। जैसे आपका दोस्त है, एक फ्रेंड है, बच्चा आपकी उम्र का हो गया, वो बड़ा हो गया, तुम उसको सबके सामने डांटोगे, सुन लेगा आपकी बात को कि आप पिता है, कर लेगा, पर उसके मन में गांठ बैठ जाती है। तो पिता पुत्र माता बेटी का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए कि कोई भी बात हो प्यार से कहे, अलग बढ़ा के कह दे, बेटे की गलती है कोई बड़ी बात नहीं, पिता को उसको डांट भी सकता है तो अलग डांटे, किसी के सामने ना, तू तो जानते कुछ नहीं, तुझे क्या पता क्या करना होता है, वो सुन लेगा बात की, पर वो एक गांठ पड़ जाती। नीति शास्त्र कहते हैं कि बेटा बेटी जब 16 साल का हो जाए उसको डांटना फटकारना नहीं है, उसको मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। तो पिता गांधी के पिता कितने समझदार थे, उसने कहा कि मैंने आपके पॉकेट से पैसे चुराए, उसको डांट सकते थे, लपड़ लगा देते थे, क्यों चुराए, ये कराए, कुछ नहीं कहा। जो अच्छा किया तो उससे दान करना, जो तुमने दुर्गम किए हैं उसको आगे मत करना। तो गांधी ने संकल्प किया, योगी आत्मकथा में लिखा है कि मैंने ऐसा किया और ऐसा मैं हो गया, इसलिए वो महात्मा कहा है। एक बहुत बड़ी बात, जब गांधी के पिता बीमार थे तो डॉक्टर ने कहा कि ये अब शायद बचने के लायक नहीं है, अब अंतिम रात है, तो गांधी सेवा कर रहे थे, किसकी, पिताजी की, अंतिम समय था। रात को मन में विचार आया, डॉक्टर कोई भविष्यवक्ता होते हैं क्या, डॉक्टर कोई ज्योतिषी होते हैं क्या, डॉक्टर को क्या पता अंतिम रात है, अगले दिन भी जिएंगे, दो दिन भी जाएं। तो गांधी के मन में क्या विचार आया, पास में पत्नी थी, चलो वहाँ जाके आराम करते हैं, पिता को बाद में आके सेवा कर लेते। उसी रात जब गांधी पिता की सेवा ना करके पत्नी के पास चले गए तो आवाज आएगी, पिताजी चल बसे। तब गांधी ने लिखा है कि मेरे जीवन में बहुत धक्का लगा, धक्का, कि ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है, ब्रह्मचर्य इज लाइफ, संसार इज डेथ, ब्रह्मचर्य का जीवन में महत्व क्या होता है, और वासना नरक द्वार ले जाती है, ये गांधी ने लिख दिया। मन में विचार आया, किसी को क्या पता, कुछ भी कह सकते थे, बड़े बड़े साधु नहीं कह सकते ऐसी बात, जो गांधी ने कह दिया कि मुझे, अब विचार तो आते हैं ना, मन जब कोई रास्ता निकालता है, मन सबसे बड़ा दुश्मन है, मन शत्रु है, मन पापी, मन लालची, मन कपटी, मन पल पल में, और कभी मन के बारे विचार मत करना। और सबसे बड़ी भूल किसने, इस जीव ने, इस किसको दी है, जीव ने अपनी शक्ति मन को दे दी, बुद्धि को दे दी, इंद्रियों को दे दी, और हम मन के गुलाम हो गए। मन घुमाता है हमको, मन कहता है घूमो, ध्यान में क्या रखा है, बैठ के ध्यान करने, महाराज तो कहते रहते हैं ध्यान करना ध्यान करना, छोड़ो ना ध्यान, ध्यान घूम के आते हैं, ताश के पत्ते खेल लेते हैं, वहाँ कर लेते हैं, मन रास्ता निकालता है, हम उसके पीछे लग जाते हैं। तो मन के पीछे कभी नहीं चलना, जो तुम्हारी अंतरात्मा कहे उसकी बात को सुनना, ये सबसे बड़ी जीव की भूल, आत्मा की भूल, कि आत्मा इतने संपन्न शक्तिशाली है, उसने सारी शक्ति मन को दे दी, बुद्धि को दे दी, इंद्रियों को दे दी, इंद्रियां बलवान हो गई, मन बलवान हो गया और बुद्धि बलवान हो गई, इस कारण हम 4,84,00,000 जीवजन में भटक रहे हैं। मूल कारण ये है कि जीव अपनी शक्ति अपने पास रखे, मन के मते ना चले, कहते मन के पीछे तो चलना ही नहीं, और मन बुद्धि, बुद्धि तो वेश है, जैसा मन कहता है वैसे घुमा देती है, और इंद्रियां, इंद्रियां पराई हैं, पांचों इंद्रियों के विषय, 23 विषय, 2 चली विकार, ये हमें घुमाते हैं। प्यारी गुरुवाणी है।
नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आयरियानंग नमो वज्रायानंग नमो लोय सब सावन धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तम देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामन श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 60 सालों से अधिक समय से KGOC ग्रुप अपने हाई प्रोसीशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सीजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। KGOC ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम KGOC के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।